अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गाजियाबाद के कवि नगर में माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां 18 साल की छात्रा अपनी टीचर के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। माँ ने इस बात का विरोध किया तो बेटी ने माँ को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद पिता ने उसकी बेटी और उसकी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 18 साल की छात्रा पर अपनी टीचर के साथ मिलकर माँ की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना को अंजाम देने के बाद छात्र और टीचर दोनों फरार हैं। देखिए, थाना कबीरनगर में 9 तारीख को एक महिला ने अपनी ही माँ के ऊपर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रहार किया था, जिसमें काफी रूप से गंभीर रूप से वो घायल हो गई थी। उसके बाद उनको जीटी हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट करा दिया गया था। आज उनकी मृत्यु हो गई, तो इसी संबंध में थाना कबीरनगर में 304 जो कल्पेबल होमिसाइड है, क्या केस होता है, उसमें मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया है। हम तफ्तीश कर रहे हैं जो माँ और बेटी के बीच में कहा सुनी हो गई है, उसके बीच में क्या रीजंस था और क्या क्या एंगल उसमें निकल के आ रहे हैं, उस संबंध में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे ही जैसे क्लियर चीजें क्लियर होंगी उसके बारे में आपको अवगत करा दें। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। एसपी सिटी आकाश तोमर ने बताया कि सभी एंगल्स पर जांच की जा रही है। न्यूज ब्यूरो,